अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, लाहौर रियल एस्टेट से मैं हूं मियां वकास। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333417716। व्यूअर्स, आज स्वीगैस फेज टू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी जो अभी प्राइसेस चल रही हैं और इसकी जो करंट डेवलपमेंट की जो पोजीशन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइसेस के बारे से अपडेट करता चलूँ। एक नाल की प्राइसेस जो है, आपको पता है कि पिछले कोई एक साल सवा साल से प्राइसेस इसकी स्टक हैं, बल्कि पिछले कोई दो तीन माह से इसमें कोई दो तीन तीन लाख की प्रोडक्शन भी आई है। रीज़न उसकी स्लो मार्केट ही है। इसमें जो अभी एक नाल की कीमत है वो 40 से लेके कुछ 70-72 लाख की रेंज में हमें मिलेगा, और दो कनाल हमें 1.10-1.15 से लेके 1.35-1.40 की रेंज में मिलेगा। व्यूअर्स, इसकी कीमतों की जो स्टक होने की मेन रीज़न स्लो मार्केट है, और दूसरी रीज़न जो इनके इंटरनल इश्यूज हैं मैनेजमेंट के हवाले से, इसी वजह से बिजली पे फर्दर इनका कोई काम नहीं शुरू हो सका। सिर्फ वही जो इसकी ग्रेड की चार दीवारी की है उससे आगे अभी फर्दर कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन डी ब्लॉक में काफ़ी घर बन गए हैं, 5 से 6 घर बन गए हैं और नई कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रही है। ए ब्लॉक में भी कोई 2 से 3 घर बने हुए हैं। बाकी जगहों पे भी आप पोजेशन ले सकते हैं, लेकिन चूंकि बिजली की जो कमिटमेंट है ए और बी में ही है, लेकिन बाकी जगहों पे भी आप पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बिजली जो ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकेगी सोसाइटी। ये सिर्फ एक बायर की सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि ये सोसाइटी ऑलमोस्ट सारी की सारी ऑन ग्राउंड है, और आप जो भी प्लॉट बाय करते हैं उसको फिजिकली जाके मौके पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, स्लो मार्केट का हमेशा से जो फ़ायदा है वो आने वाले नए बायर्स को मिलता है, और आप अगर आज बाय करते हैं तो आने वाले कोई 1.5 से 2 साल के लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्राइसेस इसकी जो बड़ी अट्रैक्टिव हैं। आपको लाहौर में किसी जगह पे भी ऑन ग्राउंड एक कनाल का प्लॉट इस बजट में नहीं मिलता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग जिनके पास बजट भी है, फंड्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, या कोई प्लान कर रहे हैं कि जी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये राइट टाइम है, स्लो मार्केट है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह होपफुली इसमें ग्रेजुअली बेहतरी आएगी, स्पेशली स्वी गैस फेज टू में, क्योंकि इनका जैसे ही बिजली का काम शुरू होना है, इनके पोल वगैरह यहाँ पे आ गए लगना शुरू हो गए, तो ये ग्रेजुअली प्राइसेस जो शूट करेंगी। अगर हम सराउंडिंग की सोसाइटीज़ को देखें तो इसका एटमोसफेयर, इसकी प्लानिंग बाकी सोसाइटियों से, दाएँ बाएँ की सोसाइटियों से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें छोटी कटिंग नहीं है, 5 और 10 मरला की, इसमें चंद एक प्लॉट्स हैं 5 मरला के, आप कह सकते हैं 20-25-30 के करीब प्लॉट्स हैं मैक्सिमम। ये कटिंग भी उन्होंने बाद में की थी, 10 मरला के भी कोई आप कह लें तो मेडिकल का प्लॉट्स हैं, लेकिन प्रॉपर जो इसकी कटिंग है वो सारी की सारी कनाल और 2 कनाल की है। तो फ्यूचर में ये कभी भी रशी नहीं होगा और बड़ा वो पीसफुल सा एरिया रहेगा। इसमें जो मिनिमम जो रोड के साइज हैं वो 40 फीट के हैं, 40 फीट, 60 फीट, 80 फीट और 100 फीट, और जो मेन इसका रोड है 150 फीट का है। तो दूसरा इसको व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा एज अब मिला है वो बैरियर टाउन के साथ जो लिंक हो गया है, तो इसकी लोकेशन जो ना उस वजह से बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है। रिंग रोड बनने की वजह से इस पर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट बना है, लेकिन चूंकि इसकी प्राइसेस उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं हो सकी, उसके पीछे रीज़न वही बिजली की है, लेकिन बिजली इंशाल्लाह आने वाले कुछ 6 से 8 माह में उसमें भी आप प्रोग्रेस देखेंगे इंशाल्लाह। तो फ्यूचर में जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं आने वाले 2-3 सालों के लिए, अपनी बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि राइट टाइम है बाइक का, इसको आप बाई करें और 2 से 3 साल के लिए इसको रिटेन रखें इंशाल्लाह, घर बनाने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए, ये दोनों सूरतों में आपको अच्छा रिटर्न देगा। व्यूअर्स, अपनी फर्दर क्वेरीज के लिए, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम ये वकास है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333417716। व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारी तमाम वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।